हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस के बारे में आज हम बात करेंगे कि CAI होता क्या है। सो देखिए, जब हम यूजीसी नेट का सिलेबस आप देखेंगे तो जो 8th यूनिट है शायद, उसमें क्या जो टेक्नोलॉजी है टीचिंग, टीचर एजुकेशन टीचर्स के लिए, या हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग भी होती है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी होती है, कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग भी होती है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग भी, लर्निंग मटेरियल बोल देते हैं जिसको, वो भी होता है। सो ये सारी चीजें करेंगे एक एक करके डिस्कस। आज जो है वो हम जो है फोकस हमारा किस पे रहेगा, CAI पे डिटेल में रहेगा, क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही है सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। सो देखिए, CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस यानी कंप्यूटर की हेल्प ली जा रही है, ये तो साफ हो गया, ये चीज हमें पता है, ठीक है। सो कंप्यूटर की हेल्प लेके कुछ इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। सो इट इज डिफाइंड एज यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस टू टीच कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स। तो बच्चों को कुछ सिखाने के लिए जब आप कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की हेल्प लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, CAI। IBM ने क्या किया, फर्स्ट 1960s में जो है फर्स्ट इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन किया था, किसका, मिनी कंप्यूटर्स का यूज करके। सो IBM होता क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। IBM क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन, जो कि अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है 1911 से, यानी 1911 से, हेडक्वार्टर एरमोंक में है न्यूयॉर्क, विद ऑपरेशंस इन ओवर 171 कंट्रीज, यानी मोर देन 171 कंट्रीज के अंदर इनके ऑपरेशंस है या ये काम करते हैं, ठीक है। कंपनी बिगेन इन फाउंडेड इन एंडीकोट, जो कि न्यूयॉर्क में है, चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट ने जो है इनको बनाया था। पहले इसका नाम CTR था, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, लेकिन बाद में 1924 में इसका नाम जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस जो है मशीन्स रख दिया गया था। तो ये जो IBM है, इन्होंने 1960s में एक कंप्यूटर्स फर्स्ट इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटर सिस्टम जो है इन्होंने डेवलप किया। सो एक इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है ये, जहाँ पे कंप्यूटर को जो है वो यूज किया जाता है, जिसकी हेल्प से क्या करेंगे हम, इंस्ट्रक्शंस देंगे। कॉम्बिनेशन रहेगा किसका, टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, साउंड, वीडियो, ये सारी चीजें लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए यूज की जाएंगी। प्रोग्राम्स जो यूज कर सकते हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, ड्रिल प्रैक्टिस है, साइमुलेशन प्रोग्राम है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सारी चीजें जो है बच्चों को समझाने के लिए और उनकी समझ को, जो कि उनको समझ आया या नहीं उसको चेक करने के लिए जो है यूज की जा सकती है। सो इंस्ट्रक्शनल वर्क कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, उसको हम बोल रहे हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि हम उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इसीलिए सिर्फ इंस्ट्रक्शन। जैसे हम कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जब करेंगे ना, तो लर्निंग एक ब्रॉड मीनिंग हो गया, इट्स लाइक करिकुलम एंड सिलेबस, ठीक है। जैसे करिकुलम एक ब्रॉड हो गया सारी चीजों के बारे में, और सिलेबस पर्टिकुलर उसके अंदर चीज आ गई, ये तो हम ये लगा के चल सकते हैं कि अगर ये कंप्यूटर असिस्टेड ये CAI है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, सो ये जो बड़ा एम्बिट है ये क्या हो जाएगा, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग हो जाएगा। अब कंप्यूटर असिस्टेड, इसमें जरूरत किस चीज की पड़ती है, कंप्यूटर इज सैड टू बी अहेड ऑफ टीचिंग मशीन ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग मोर वर्क एट द सेम टाइम फॉर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल लर्नर्स देन द टीचिंग मशीन। पॉइंट ये है कि जब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको कंप्यूटर से पढ़ा रही हूँ या मैं टैब लेके बैठी हूँ, या ये जो चीजें क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। सो कंप्यूटर एक मशीन की तरह क्या है, हार्डवेयर है। सो टीचर को कंप्यूटर को ऑपरेट करना आना चाहिए, एप्लीकेशंस जो रहेंगी इसकी कि क्या क्या चीजें होंगी। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो जो कंप्यूटर में हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे OBS सॉफ्ट स्टूडियो है या जो और सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो सॉफ्टवेयर्स जब हम यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर दो तरीके के हो सकते हैं, फर्दर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर जो कि जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर जो है वो इनपुट लेता है या उसमें से ट्रांसलेट करके हमें दूसरी लैंग्वेज में देता है, ठीक है। कोर्सवेयर क्या होएगा, कोर्सवेयर इज समवट लाइक सॉफ्टवेयर प्लस कोर्स, ठीक है, यानी कोर्स प्लस सॉफ्टवेयर।
रीजन क्या है, मान लीजिए आपको कोई प्रोग्राम सीखना है या आपको कुछ वेब डिजाइनिंग सीखनी है, कुछ भी पर्टिकुलर स्किल या कोर्स सीखना है, या बच्चे को कुछ अलग सीखना है, कोई भी चीज, सो उसको सीखने के लिए, उस कोर्स, उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है, सो उसको क्या बोल रहे हैं, ये कोर्सवेयर बोल रहे हैं, ठीक है। सो इट इज द बेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट इज इम्पार्टेड टू द लर्नर बाय CAI। सो इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसमें ना सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हम सॉफ्टवेयर्स का यूज कर रहे हैं, यानी इसमें ऑलरेडी हमारे पास क्या आएगा, कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर आएगा जिसके अंदर ऑलरेडी चीजें होंगी, इंस्ट्रक्शंस वगैरह, फिर टीचर को उसको ऑपरेट करना आना चाहिए। सो ये चीज है। सो जहां पे भी ये आए कि सॉफ्टवेयर का यूज या इस चीज का ज्यादा यूज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। एडवांटेजेस क्या रहेंगे, इट इज ईजी टू चेंज द इंस्ट्रक्शंस, प्रैक्टिसेस, एग्जाम्पल्स एंड टेस्ट, ईजी रहेगा। इट इज सेल्फ एडमिनिस्टर्ड एंड जस्ट इन टाइम, सो जो कंप्यूटर में या जो सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी हैं चीजें, वो जो है सेल्फ एडमिनिस्टर्ड होंगी, अपने आप चलती रहेंगी चीजें। फीडबैक कैन बी इधर इमीडिएट, डिलेड, कॉम्प्रिहेंसिव, पार्शियल, तो फीडबैक किसी भी तरीके का हो सकता है, उसी टाइम भी फीडबैक आप इसमें क्योंकि हमें क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है ना, उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें हैं वो हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि हमें फीडबैक इंस्टेंट चाहिए या डिलेड चाहिए या सारी चीजें डाल दी, फिर हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लें उसमें, राइट। इट प्रोवाइड्स गुड लेसन इंटीग्रिटी, इट इज इंडिविजुअलाइज्ड, कस्टमाइज्ड फॉर यूजर्स हु नीड स्पेसिफिक स्किल्स, सो ये इंडिविजुअलाइज्ड है एक तरीके से, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में चीजें होंगी। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग इसमें रहेगी, प्रोग्राम यूजर इंटरेक्शन कैन आफ्टर बी इंक्रीज्ड, बाद में इंक्रीज की जा सकती है, विच ऑफर मोर लेसन कंट्रोल फॉर मोर एडवांस्ड लर्निंग, सो लेसन कंट्रोल जो है वो यूजर का इसमें रहेगा। सो हम ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर और यूजर इनका क्या है, इंटरेक्शन है कंप्यूटर और यूजर का, ठीक है जी। सो एडवांटेजेस, और उसके बाद अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, सो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करेगा। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दो तरीके की थिंकिंग हम पढ़ते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब कि डिफरेंट या ओपन एंडेड जो चीजें होती हैं ना, कि आपके अपने व्यूज हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं या बाकी चीजें, सो ओपन एंडेड जो है ये रहेंगी। और कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि कन्वर्ज हो जाती हैं चीजें, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस इसमें होते हैं। सो क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो उस सॉफ्टवेयर में आपने ऑलरेडी सारी चीजें डाल रखी हैं, यानी कि बच्चे का अगर खुद का कुछ चीज है या खुद का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसमें मैच नहीं हो रहा, तो वो चीजें गलत होंगी। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग को ये प्रमोट करेगा। लॉन्ग डेवलपमेंट टाइम और शॉर्ट शेल्फ लाइफ, यानी कि अब उस सॉफ्टवेयर को कौन डेवलप करेगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, जो भी, जैसे कि हम ये बोल देते हैं ना, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं एक तरीके से, ठीक है, तो उनको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर ही बोल रहे हैं। सो उन्होंने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, सॉफ्टवेयर डेवलप करने में बहुत टाइम लगेगा, कोडिंग में टाइम लगेगा उसकी, या जैसे कोई ऐप डेवलप करते हैं तो उसकी कोडिंग में टाइम लगता है। सो लॉन्ग डेवलपमेंट टाइम लंबा है, लेकिन शॉर्ट शेल्फ लाइफ है, क्योंकि हो सकता है हम कुछ हमें जो है फर्दर कुछ चीजें चेंज करनी पड़े या कुछ टाइम बाद वो काम का ना रहे, सो शेल्फ लाइफ जो है वो इसकी क्या रहेगी, छोटी रहेगी। इट इज मोर कॉस्टली टू डेवलप देन हायरिंग एन इंस्ट्रक्टर, यानी एक इंस्ट्रक्टर आप अगर हायर कर लेंगे, सो वो बेटर है रादर देन क्या, ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा जब आप डेवलप करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डेवलप करने में काफी टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली भी है। इट अज्यूम्स रीडिंग एबिलिटी एंड स्पेक्टिकुलरिटी, यानी कि ये क्या है कि ये ऑलरेडी अज्यूम करके चल रहा है कि पढ़ना तो आ ही रहा है जो भी चीज, क्योंकि आपको उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए पहले एक बेसिक नॉलेज की तो जरूरत पड़ेगी ना, सो वो बेसिक नॉलेज हो सकता है स्टूडेंट्स में ना हो, सो उस चीज वो क्या रहेगा, एक डिसएडवांटेज्ड पॉइंट रहेगा कि उसके लिए हम मान के चल रहे हैं कुछ चीजें, कुछ एबिलिटीज जो है कि वो पहले से होंगी। सो ये हमने कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा जो है नैरो टॉपिक हो जाएगा जब हम कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की बात करेंगे उसके कंपैरिजन में, क्योंकि लर्निंग जो है एक ब्रॉड टर्म आ गई और इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या आ गया, क्योंकि एक वो होता है ना कि टाइम टू टाइम चीजें चेंज भी होती हैं, तो जब चेंज होती, जैसे हम पहले क्या बोलते थे कि मेंटली रिटार्डेड वर्ड यूज कर लेते थे, राइट, जब हम डिसेबल्ड की बात करते थे, सो मेंटली रिटार्डेड की जगह अब हम जो है कई जगह क्या यूज करते हैं, इंटेलेक्चुअली रिटार्डेड। सो जो वर्ड की जो चेंज है वो होता रहता है, सो ये क्या है, उसी तरीके से ये क्या आ गया हमारे पास, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो है वो नैरो टर्म रहेगी और लर्निंग जो है तो वो ब्रॉड टर्म में, ब्रॉड एम्बिट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।